हरी बोल हरी बोल। हाँ तो हाँ नहीं नहीं ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर मत दो, धीरे धीरे गाएगा। तुम भी आगे आ जा बच्चा, माइक चल रहा है कि नहीं? देखो थोड़ा तेज करो, ठीक है। आली मोह लागे वृंदावन को, आली मोह लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को सखी मन, लागे वृंदावन को आली मन, लागे वृंदावन को राधिका,
Rama 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 Rama
hare ram hare ram 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 hare hare चिराग प्रभु आजा बोलो इसको ऊपर जो उसको ऊपर जो बक्स रखा हुआ किसका है जो वो दो हो गया ना नीचे एक ऊपर एक साउंड वाले का ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा। मैं सबसे पहले अपने पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्रीपाद श्री श्रीधर महाराज जी के श्री चरणों में कोटि 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 वंदन प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव श्रीपाद श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीमद् गौरांग महाप्रभु समेत समस्त गौरव परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वरिण्य जन वैष्णव वैष्णविया आप सभी को मैं बार बार वंदन करता हूँ। मेरे गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि इस दिव्य बृहद भागवत का जो दिव्य सत्संग चल रहा है उसके अंदर ही मैं अपने मुख से श्री गुरुदेव की दिव्य कृपा की अनुभूति करता हुआ आपके सामने श्री भगवान के गुणगण अखिल गुणगण निलय श्री भगवान के दिव्य मंगलमय चरित्रों में से कुछ संक्षिप्तता से आपके सामने कुछ शब्दों की दिव्य पुष्पांजलि को समर्पित कर सकें। देखिए कम श्रोता का प्रभाव, जब ज्यादा श्रोता थे तो बहुत डर लग रहा था अंदर अंदर, जो सप्त दिवस थे श्रीमद भागवत जी के तब बहुत घबराहट होती है, अब कम श्रोता है तो अपने अपने घर के श्रोता है तो इतनी दिक्कत नहीं होती। देखिए वेद वेद के उपाख्यान है, वेद का वेद में लिखा है, पहली श्रुति ही है वेद की, आत्मा वारे दृष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निरिध्यासितव्यः। इसमें बताया गया है कि आत्मा वारे दृष्टव्यः, श्री भगवान को श्रोतव्य, श्री भगवान को ही सुनना चाहिए। श्री भगवान को हम कैसे सुने, तो श्रोतव्यः गुरु वाक्येषु अथवा श्रोतव्यः शास्त्र वाक्येषु, गुरुदेव के वाक्यों को सुनना ही श्री भगवान को सुनना है, ऐसा वेद भगवान कह रहे हैं। भागवते श्रवण करी वैष्णवेर स्थाने, भागवत जी को कहां श्रवण, अन्यथा भागवत जी की भी बात नहीं है, जो हमारे समस्त शास्त्र की दिव्य पीथियां हैं उसको कहां श्रवण करना चाहिए, जहां श्री गुरुदेव विराजमान है, जहां संतजन विराजमान है और गुरु गुरुदेव के श्रीमुख से ही शास्त्रों के दिव्य मंगलमय शब्दों का श्रवण करना चाहिए। हम लोग शास्त्रों को क्यों सुनते हैं, हम लोग भगवान की कथा क्यों सुनते हैं, हम लोग भगवान की कथा सुनते हैं उसका एक ही प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है, भगवान कपिल कह रहे हैं, सर्वदा दिग्दस्य सद्विहि समुद्रैव सिन्धुभिः आर्या सर्व समश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। जैसे नदी का बहाव जो है वो इस रास्ते से भी
प्रवेशित हो रहा है, उस रास्ते से भी आ रहा है महाराज, चारों तरफ से नदी का प्रवाह आ रहा है। कहां पे मिलने के लिए? समुद्र में मिलने के लिए, समुद्र की ओर। ऐसे ही भगवान के जितने भी चरित्र हैं, चाहे वो भगवान के दिव्य माधुर्य से संपूर्ण हो, चाहे भगवान के अन्य अन्य प्रकार के गुणों से संपूर्ण हो, वो सब श्रवण कर रहे हैं। उन सब लीलाओं को श्रवण हम लोग क्यों कर रहे हैं? केवल भगवान की शरण में आने के लिए। श्रीमद् भगवत गीता जी का सार क्या है? केवल और केवल भगवत शरणागति। भगवान, अच्छा हम लोग क्यों कह रहे हैं कि भागवत श्रवण करें वैष्णवेर स्थाने? हम लोग क्यों भागवत जी का श्रवण करें वैष्णव के दिव्य मुख से, गुरुदेव के दिव्य मुख से? क्योंकि हमारे शास्त्र ऐसे है महाराज कि साधारण बुद्धि में वो शास्त्र को पचाना बहुत कठिन है। उन शास्त्रों को श्रवण करने की पात्रता कहां से आती है? भगवान कबीर कहते हैं सदृष्टाः परम पुरुषात्। जब गुरुदेव अथवा संतजन कृपा करके एक बार जीव पर दृष्टिपात कर देते हैं, तब जाकर के शास्त्रों को श्रवण करने की पात्रता जीव के अंदर प्रवेशित हो जाती है। तब जाकर के ही जीव शास्त्रों को पढ़ने या सुनने का महाराज सामर्थ्य प्राप्त कर पाता है। अन्यथा महाराज शास्त्र तो ऐसे आलोड़न प्रलोड़न से युक्त है, इतने दुरूह है शास्त्र को श्रवण करना कि साधारण भी चकरा जाए। आप लोगों ने श्रवण किया था ना, जब श्री भगवान, जब राम जी महाराज जब जंगल में घूम रहे हैं, वो रावण ने हरण कर लिया है सीता जी का, तो महाराज राम जी की ऐसी दिव्य महाराज ऐसी अवस्था हो गई है कि लक्ष्मण जी भी चकरा गए कि ये क्या हो रहा है। राम जी पूछ रहे हैं को हम वत्स, हे वत्स हम कौन हैं? तो लक्ष्मण जी ने कहा स आर्य एव भगवन। भगवन आप आर्य हैं। आर्य हूं। आर्य कौन होते हैं? आर्य सा को कौन आर्य? तो लक्ष्मण जी ने कहा राघव, आप रघुकुल शिरोमणि हैं, आप रघुवंश में प्रादुर्भूत है, इसके कारण आप राघव आप आ रहे हैं। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, किम कुर्मो बिजने बनेक तियतौ, हम इस वियावान जंगल में कर क्या रहे हैं? राम जी की हालत देखिए, भूल भाल गए सब कुछ। तो लक्ष्मण ने कहा सीता समुद्वीक्षितैहि, हम सीता जी का अन्वेषण कर रहे हैं। अब देखिए राम जी ये भी भूल गए कि कौन सीता जी, इतना विरह उनको हो रहा है कि भूल गए लक्ष्मण कह गए कौन सीता जी, का सीता। तो लक्ष्मण जी चक्कर में पड़ गए, भगवान ये हो क्या रहा है? तो लक्ष्मण जी ने कहा जनकाधिराज तनया जनक नंदिनी सीता। जैसे ही राम जी ने सुना जनक नंदिनी सीता, राम जी पछाड़ खा करके गिर गए। हा हा प्रिय जानकी, हा हा प्रिय जानकी। थोड़ी दूर चले हैं राम जी लक्ष्मण जी के साथ, जैसे ही आगे गए हैं, आगे पूछा है राम जी ने फिर से सौमित्रेन नुषेदिताम तरुतरम। अरे लक्ष्मण जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, कहा जल्दी से एक पेड़ की छाया में पहुंच जाओ। क्यों? क्योंकि ये धधकता हुआ सूर्य, इसके दिव्य प्रकाश, इसका ताप मुझे सता रहा है, जबकि वहां रात हो रही है। लक्ष्मण जी फिर चक्कर में पड़ गए, रात में सूर्य कहां? तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये सूर्य नहीं है, ये चंद्रमा है। चंद्रमा है? तुम्हें कैसे पता चंद्रमा है? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि इसके अंदर महाराज जो चंद्रमा है, इसके अंदर हिरण का चिन्ह प्रतीत हो रहा है। जैसे ही राम जी ने सुना हिरण का चिन्ह प्रतीत हो रहा है, तो सोई राम जी को ध्यान आया हिरणों के समान मुख वाली मेरी सीता कहां गई। सोई राम जी फिर चक्कर खा करके गिर गए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयन, विरहे विकल नर इव रघुराई, खोजत बिपिन फिरही दउ भाई। ये कारण से महाराज इन सभी कारणों को देख करके तो सती की मति चकरा गई। भैया सती ने ना श्री सती जी ने शंकर जी की
बात नहीं मानी और वो भगवान की परीक्षा के लिए आ गई। इसी कारण से ही तो कह रहे हैं कपिल, भगवान कपिल कह रहे हैं कि बिना किसी गुरुदेव का पूर्ण पूर्ण वाक्य का पालन करते हुए, उस पे परम विश्वास का पालन करते हुए व्यक्ति शास्त्रों में अथवा महाराज क्या कहते हैं व्यक्ति शास्त्रों में एवं व्यक्ति इस दिव्य भागवत के पथ पर आगे बढ़ सकता है, यह कपिल भगवान कह रहे हैं। इस कारण से सती को भी चक्कर हो गया कि देखो ये राम जी हैं, ये तो भगवान बताते हैं शंकर जी इनको, परंतु ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये जगतपति राम जी हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कोई प्रेमिका के प्रेम के पीछे पागल दीवाना प्रेमी घुसा जा रहा है। इस कारण से राम जी ने दिखा दिया ना उनको, सती देख कौतुक मग जाता आगे राम सहित श्री भ्राता, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा बंधु समेत धरे मुनि वेशा। इस कारण से भागवत श्रवण करी वैष्णवेर स्थाने, भागवत को अथवा अन्य अन्य ग्रंथों को कहाँ श्रवण करना चाहिए, जहाँ पे वैष्णव की विराजमानता हो, जहाँ पे वैष्णव की उपस्थिति हो, गुरुदेव की उपस्थिति है, दिव्य बृहद भागवतम की दिव्य सरिता कल कल कल्लोल वंदनी होकर के यहाँ प्रवाहित हो रही है और आप हम सब लोग ओख लगा करके महाराज श्रद्धा की ओख लगा करके और इस दिव्य कथा को पान करें, इसी में ही जीवन का लाभ है, इसी में ही जीवन की सार्थकता है। ये पहले श्लोक का अर्थ है कपिल देव भूति संपाद का। महाराज इन्हीं सभी शब्दों के साथ वाचा कल्प दुर्ग ओम ज्ञान तमिराम दस्य ज्ञानांजन सलाकया चक्षुर मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाच्छाकल्पतरुभस्य कृपा सिन्धुभैव च नितानं पावलेभ्यो वैष्णवे भो नमो नमः। अजानुलंबित भुजौ कनिका बदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरि कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम राम। बोलो हरि कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री सनातन गोस्वामी ने ये श्रीमद् बृहद भागवतामृत ग्रंथ उन्होंने क्यों बनाया, इसका क्या कारण है। और श्री सनातन गोस्वामी
कहते किसकी कृपा से इनके हृदय में इतने सुंदर ग्रंथ स्फुरित प्राप्त हुई, बोले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का कृपा से। और चैतन्य महाप्रभु कौन है, कहते ये स्वयं कृष्ण हैं। और राधा रानी की प्रेम का आस्वादन करने के लिए, अपना माधुर्य का आस्वादन करने के लिए वो कलयुग में श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके स्वयं आए। और जगत में राधा रानी की जो प्रेम और गोपी प्रेम की जो सर्वतमता को उन्होंने जगत में स्थापन उन्होंने जगत में किया है। इसलिए गतकल हम लोग इस सब कथाओं को श्रवण कर रहे थे, तब से सनातन गोस्वामी जब ये ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं, श्री मथुरा देवी से वृंदावन धाम, गिरिराज, गोवर्धन, भक्ति देवी, हरिनाम, सबको पहले ये एक एक श्लोक को द्वारा उन्होंने प्रणाम करते हैं। बोले जयति मथुरा देवी श्रेष्ठ पुरीषो मनोरमा परमा दयिता कंस रातिर्जन स्थिति रंजिता दुरित हरिणार मुक्ते भक्तिरपि प्रतिपादना जगति महिमा तत् क्रीड़ा कथास्तु विदुरित। तो मथुरा देवी को प्रणाम करते हैं, कहते जो मथुरा देवी है, कहते ये भगवान की एक शक्ति श्री मथुरा देवी, इसलिए कहते इसका नाम मथुरा नहीं, इसका नाम मधुरा, ये मीठा ही है। क्योंकि जो मथुरा है, कहते रात्रि एक निवास है न हरि भक्ति पजायते, एक रात्रि अगर कोई मथुरा में निवास कर ले, कहते उसको भगवान की प्रेम भगवान की भक्ति प्राप्ति हो जाते हैं एक रात मथुरा में कोई निवास करे तो। इसलिए कहते जयति मथुरा देवी, कहते इनको देवी क्यों कहते हैं, बोले बड़े दुत्तमाना बड़े बड़ी प्रभावशाली है, इसलिए उनको मथुरा देवी कह रहे हैं। इसलिए कृष्ण जब मथुरा में जब प्रवेश किया, अभी तक कंस अत्याचार कर रहा था मथुरा को ऊपर में, लेकिन जैसे एक पति को देख करके पत्नी बड़ी सुंदर सरझर श्रृंगार करती है, जब देखा कृष्ण मेरे प्रियतम आ गए कृष्ण बलराम, मथुरा देवी सुखदेव गोस्वामी क्या सुंदर व्याख्या करते हैं, अद्भुत मथुरा देवी को व्याख्या करते हैं। कहते चलने का जरूरत नहीं, प्यार रखते ही अपने आप चल पड़ोगे, बीच बीच में तोरण ही, वहाँ पर लाइट की जरूरत नहीं, हीरे जवाहरात एक एक रखा हुआ उससे ही लाइट हो रहा है, क्या विशाल विशाल वहाँ पर अट्टालिका। और गली की जिस गली में जाए मथुरा में, बोले श्री कृष्ण बलराम की जय जयकार हो रहा था। इसलिए है कि यहाँ पर कहते जयति मथुरा देवी श्रेष्ठ पुरी सु मनोरमा, कहते जितने पुरी है जो मथुरा पुरी ये सर्वश्रेष्ठ है। आपको पता है पुरी कितने पुरी है, हाँ सात पुरी है, लेकिन हम तो एक ही पुरी खाते हैं, पुरी तो हम एक ही खाते हैं, लेकिन यहाँ पर बताए पुरी कितना है, कहते सात पुरी है। सात पुरी क्या क्या है, हाँ गिन लो, बोले अयोध्या मथुरा, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया और द्वारावती, ये सब के सब सात पुरी है। हैं पुरी मतलब होता है हम जो खाते हैं वो पुरी नहीं है, पुरी मतलब होता है जहाँ पर जिस पूर मतलब होता है जहाँ हैं राजभवन में घर में जो भगवान निवास करते हैं, इसलिए श्री जगन्नाथ पुरी हैं। जगन्नाथ पुरी क्यों कहते हैं, जहाँ पर जगन्नाथ जी का निवास है, ये सात पुरी है। लेकिन ये सात पुरी में बोले श्रेष्ठ पुरी सु मनोरमा, लेकिन ये सात पुरी में सर्वश्रेष्ठ पुरी कौन है, कहते श्री मथुरापुरी, जितना पुरी है सर्वश्रेष्ठ पुरी श्री मथुरापुरी। बोले कारण क्या है, बोले कृष्ण जनी, जहाँ पर भगवान अजन्मा होते हुए भी हैं, भगवान कहते ना अज्जो अपि सन अव्ययात भूतानापि ईश्वर अपि सन, भगवान कहते मैं अजन्मा हूँ, लेकिन अजन्मा होते हुए भी कृष्ण कहाँ पर जन्म लेते हैं, कहते मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु जन्म ग्रहण किया है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जब ये मथुरापुरी आती है, मथुरापुरी बड़े सुंदर लट झट श्रृंगार करते हुए, और जितने सारे पुरी हैं, कहते देखो श्री मथुरापुरी आ रही हैं, हैं कहते हे अयोध्ये तुम छत्री लेकर के खड़े हो जाओ उनका सर पर, हे काशी उनके लिए जुती, हैं
ज्योति के लिए तैयारी कर लो, हैं अयोध्या मथुरा माया तुम उनके लिए पीक दानी लेकर खड़े हो जाओ, हैं काशी कांची अवंतिया कोई पीक दानी कोई छत्र कोई चामर कोई उनके लिए पादुका लेकर के प्रस्तुत रहते ही जब श्री मथुरापुरी आती हैं, क्योंकि जहाँ पर साख्यात मथुरापुरी नहीं ये कृष्ण की एक तरह से ये पटरानी है, भगवान कृष्ण की ये पटरानी है। इसलिए यहाँ पर कहते जयति मथुरापुरी श्रेष्ठ पुरी सो मनोरमा, कहते बड़े सुंदर श्री मथुरापुरी बड़ा सुंदर है, कहते क्योंकि बोले परम दयिता कंसे आते है जनी स्थिति रंजिता, जहाँ पर भगवान नित्य निवास, जहाँ पर श्री मथुरापुरी में भगवान नित्य निवास रहते हैं। कहते अगर श्री मथुरापुरी में कहते जो मथुरापुरी क्या बोले दुरित, दुरित मतलब होता है जो पाप है ये सारे पाप ये मथुरापुरी नष्ट कर देता है। देखो मथुरापुरी की विशेष एक महिमा, बोले क्या महिमा, जैसे कहीं अगर आपने कुछ अपराध वा कुछ पाप किया लेकिन जब आप धाम में जाओगे क्या होगा, वो सारे तुम्हारी अपराध पाप दूर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी धाम में रह कर के अगर आप पाप करना शुरू कर दोगे, किसी धाम में रह करके अगर तुमने कोई पाप करना शुरू कर दोगे फिर वो क्या, वो वज्रलेप हो जाता है। वज्रलेप समझते हो, वो पाप इतने जोर जबरदस्ती हो जाता है पर ये पाप और ख़त्म नहीं होता है। इसलिए नियम है धाम में जा करके कोई पाप कर्म हमें नहीं करनी चाहिए, हैं जो पाप कर्म कर अगर बाहर हो जाता है ठीक है, लेकिन धाम में जाकर कहीं कभी कुछ पाप नहीं करनी चाहिए, फिर तो वज्रलेप हो जाते हैं, एकदम स्टाम्प लग जाती हो, पाप फिर खत्म नहीं होती। लेकिन केवल एक ही मथुरा धाम ऐसे धाम है हमारे भक्ति वेदांत सर नारायण गोस्वामी महाराज अक्सर करके उन्होंने श्री मथुरा धाम में ज़्यादा रहे और वहीं पर उन्होंने ज़्यादा साधन भजन वहीं पर उन्होंने किया है मथुरापुरी में रह करके। इसलिए अगर श्री मथुरापुरी में अगर कोई रह करके पाप कर ले, अगर पाप हो गया, अगर मथुरा धाम की परिक्रमा किया नहीं तो मथुरा की सेवा की, अगर वहाँ पर साधन भजन किया ना, कहते एक ही केवल मथुरापुरी जो कि तुम्हारे सारे पाप को नष्ट कर देता है, केवल एक मथुरापुरी। लेकिन और कोई जो पूरी सात पूरी बताया गया वहाँ पर अगर पाप अपराध हो गया तो वो वज्रलेप हो जाएगा, वो पाप फिर हृदय से सहज में नहीं हटेगा। इसलिए कहती है मथुरापुरी की विशेष विशेष महत्व श्री मथुरापुरी की, बोले श्री मथुरा धाम की। कहते जहाँ पर अगर किसी तरह से मथुरा से तुम्हारी संबंध हो जाए, नहीं तो शादी करके नहीं तो मथुरा चली गई तुम, हैं नहीं तो मथुरा में तुम्हारी जन्म हो गया, नहीं तो मथुरा में अंतिम समय में कुछ नहीं तुम्हारी अंतिम जो संस्कार है, अगर शरीर को लेकर के मथुरा धाम में ही आपकी दाह संस्कार कर दी, नहीं तो जो उपनयन संस्कार होता है जनेऊ संस्कार, अगर मथुरापुरी में आपकी जनेऊ संस्कार हो गई, अगर किसी तरह से कोई संबंध अगर मथुरापुरी से हो गया तुम्हारी बड़ा पार, तुम्हारी जन्म मृत्यु चक्र से चिरकाल के लिए तुमको मुक्ति मिल जाएगी, है मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए कहते दुरित हरणार मुक्ते, कहते जो मथुरा देवी धर्म अर्थ काम है, ये जो तीन वर्ग है धर्म अर्थ और काम, ये सब कुछ देने वाले कौन है, कहते मथुरापुरी, यहाँ तक भी मुक्ति देने वाले मथुरापुरी, यहाँ तक भी अगर भगवत प्रेम कोई प्रार्थना करता है ये प्रेम को भी देने वाले कौन है, कहते श्री मथुरापुरी। इसलिए यहाँ पर कहते जयति मथुरा देवी श्रेष्ठ पुरीषो मनोरमा, इसलिए मथुरापुरी के विशेष विशेष महत्व श्री मथुरा धाम में धाम की। इसलिए यहाँ पर कह रहे उसको बाद में प्रणाम करते हैं श्री वृंदावन धाम, जब वृंदावन धाम को प्रणाम करते हैं जब मथुरा की उन्होंने प्रणाम किया, बोले जयति, एक बार उन्होंने जय शब्द बोला जयति मथुरापुरी श्रेष्ठ पुरुष मनोरमा, लेकिन जब श्री वृंदावन धाम की महिमा गाते हैं ना यहाँ पर दो दो बार जय देते हैं, जयति जयति हैं, बोले जयति जयति वृंदारण्य मेतत मुरारी प्रियतम मति साधो स्वांत वैकुंठ वासात
रमयति स सदा गापाल अनजत्र गोपी स्वरित मधुर वेणु वर्धयन प्रेम रासे। जब मैं जब था गुरुजी के पास में, मैं गुरुजी को तेल लगाया रोज, गुरुदेव स्नान करने से पहले गुरुजी को मैं तेल लगाता था, गुरुदेव पूरा शरीर में तेल लगाता था। जब गुरुजी का तेल लगाता था, गुरुदेव ये जितने जो श्लोक है ना, गुरुदेव रोज ये श्लोक को बोलते थे। मैं सोचता था गुरुदेव इस श्लोक को कहाँ से मिला है इस श्लोक को, लेकिन जब मैंने बृहद भागवत अमृत पढ़ा, देखा ये सारे श्लोक से सनातन गोस्वामी का। इसलिए अगर हो सके ना आप लोग ये सब श्लोक को याद कर लेना, हैं ये सब श्लोकों को याद कर लेना। जैसे सवेरे उठ करके अगर ये एक एक श्लोक को अगर आपने बोल दिया ना, पूरा सब धाम को हम सुनेंगे, कितने बढ़िया बढ़िया उन्होंने सनातन गोस्वामी इसको ऊपर में कितने बढ़िया बढ़िया श्लोक, ये 7-8 श्लोक होगा ऐसे ना, 10 श्लोक होगा, इसको याद कर देनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को कितने सुंदर श्लोक, चैतन्य महाप्रभु कौन, जगत में क्यों आए, जगत को उन्होंने क्या दिया, वृंदावन धाम, श्री गिरिराज गोवर्धन, हरिनाम, भक्ति, क्या एक एक श्लोक गुरुदेव रोज ये श्लोकों को गुरुदेव पढ़ते थे। इसलिए हो सके तो आप लोग ये सब श्लोकों को 8-10 श्लोकों को याद कर लेना और रोज रोज सवेरे सब धाम को प्रणाम करना। इसलिए कहते जयति जयति वृंदारण्य मेथद मुरारी, कहते हम श्री वृंदावन धाम को हम प्रणाम करते हैं। बोले श्री वृंदावन धाम की, कहते श्री वृंदावन इसका नाम ही वृंदावन, बोले इसका नाम वृंदावन नाम क्यों पढ़ा, बोले वृंदा, वृंदा मतलब होता है तुलसी, वन मतलब जहाँ तुलसी का वन, कहते वहीं पर वृंदावन, तुलसी कारण हम जत्र जत्र वृंदा बनानी चाहो, इसलिए जहाँ तुलसी वृक्ष है वहीं पर वृंदावन। इसलिए क्या करनी चाहिए, हर घर घर में तुलसी वृक्ष होनी चाहिए। अगर आपका घर में तुलसी वृक्ष है ना, बस तुम्हारे घर ही वृंदावन है, इसका नाम ही वृंदावन है, तुलसी का वन जहाँ पर वहीं पर श्री वृंदावन धाम है। इसलिए तुलसी वृक्ष घर में होनी चाहिए। इसलिए वृंदा, अरे वृंदा मतलब वृंद, बस समूह, अवन मतलब रक्षा। अगर कोई साधक श्री वृंदावन धाम में भजन करने के लिए आए, वृंदावन धाम को अगर कोई आश्रय ग्रहण करता है, कदि ये वृंदावन धाम अपना चरण में आश्रय देता है और उसको हर समय भक्ति में भक्त अपराध से उसको रक्षा करता है, अब वृंदावन धाम उनको पालन करता है। अगर कोई वृंदावन धाम में भजन करने के लिए आए, उनको ये वृंदावन धाम चरण में आश्रय देकर उनको अपना रक्षा करता है। जो भक्त वृंदों को जो अवन मतलब रक्षा करना, ये दूसरा अर्थ है। तीसरा कहते वृंदावन, कहते ये वृंदावन जो धाम किसकी बन है, बोले ये राधावन है। किसका बन है, राधावन। इसलिए जो मूल रूप में ये वृंदावन का अधीश्वरी कौन है, बोले श्री राधा रानी। इसलिए वृंदावन में जाओ तो सबके सब किसका नाम लेते हैं, राधे राधे, जोर से बोला राधे राधे, सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। बोले कारण क्या, बोले जो वृंदावन धाम है ये मूल वृंदा जो श्रीमती राधा रानी, उन्होंने किया कि ये वृंदावन का जो अधिकार श्री वृंदा देवी को प्रदान की, लेकिन जो अधीश्वरी देवी श्री राधा रानी। कहते इसका चौथा जो अर्थ है, राधा रानी खुद कहती हैं, अमर आनेर हृदय मन मोर मन वृंदावन बनने बनने एक करिमानी है। जिस समय कुरुक्षेत्र में कृष्ण को साथ में श्री राधा रानी की बहुत दिनों बाद में उनको मुलाकात हुई, मुलाकात हुई तो राधा रानी कह रहे हैं श्याम सुंदर अब भी वही श्याम सुंदर हो, मैं भी वही राधा रानी। लेकिन जब हम श्री वृंदावन किनारा में जहाँ पर जमुना नदी कलकल नाद से बहती हैं, जहाँ पर कोयल के का कर रहे हैं, पपिया जहाँ पर बड़े सुंदर हैं, कोयल कूक की हैं, जहाँ पर हैं मयूर के का कर रहे हैं, जहाँ पर सुंदर कदम का वृक्ष, जहाँ पर सुंदर हैं तमाल वृक्ष सुंदर, जब वहाँ पर कुंज में हम मिलते थे जो आनंद मिलता था, अभी वही आप कृष्ण में भी वही राधा रानी, लेकिन आज यहाँ पर वो आनंद नहीं, क्योंकि कुरुक्षेत्र में तो वहाँ पर घोड़ा खाड़ी हाथी हैं, आपका जो बेस है राज बेस है, वृंदावन का बेस है नहीं, आपका मरुमकुट कहाँ है,
आपके हाथ में ये बंसुरी है कहाँ? आपके शरीर में तो कोई ब्रज का कृष्ण का कोई चिन्ह ही नहीं। हाँ, अगर आप मेरे को खुश करना चाहते हो, मेरे हृदय रूपी रथ में बैठो आप, मेरे हृदय रूपी, क्योंकि आने रहे हृदय मन, दूसरा का जो हृदय है वो मन है, लेकिन मेरे जो मन है वो वृंदावन है। इसलिए मन बने एक करिमानी वृंदावन, और मेरा मन एक ही है। इसलिए कहते वृंदावन धाम है क्या चीज, भले ये राधा रानी अपना हृदय को ये वृंदावन धाम रूप में उन्होंने प्रकाशित किया है। इसलिए ये वृंदावन धाम हृदय राधा रानी की श्री हृदय से वृंदावन धाम है। इसलिए कहते तहत यदि तुमार करह उदय, अगर मेरी ये वृंदावन धाम में अगर आप चरण को मेरे हृदय में अगर धारण कराओगे हृदय में, तब मेरे लगूंगा तबे तभी पूर्ण कृपा मानी, तब मेरे को लगेगा मेरी ऊपर में आपकी पूर्ण कृपा मेरी ऊपर में। इसलिए सिर्फ जो रथ यात्रा वो रथ यात्रा नहीं, कहते राधा रानी अपना हृदय में कृष्ण को बैठा करके वृंदावन ले जा रही, कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जा रही है। इसलिए यहाँ पर कह रही हैं पहले जयति जयति वृंदारण्य मितत मुरारी प्रियतम मति साधु स्वांत वैकुंठ वासा। कहते जो वृंदावन की जो महिमा क्या है, कहते वैकुंठ वास सभी श्रेष्ठ धाम श्री वृंदावन धाम है। इसलिए हमारे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं बोले वैकुंठ जनित वरा मधुपुरी तत्रापि वृंदावनम। रूप गोस्वामी कहते हैं कहते ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ क्या है, कहले मथुरा, क्योंकि वैकुंठ में भगवान जन्म नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण मथुरा में जन्म ग्रहण किया है। इसलिए कहते वैकुंठ से श्रेष्ठ क्या है, कहते ये मथुरापुरी, किंतु उससे श्रेष्ठ क्या है, बोले श्री वृंदावन धाम। बोले क्यों, बोले जहाँ पर रस की प्लावित तो उन्होंने किया, जहाँ पर भगवान ने वृंदावन में ही उन्होंने रास रचाया, हाँ बंसी भट्ट में भगवान रास रचाया, और वहाँ पर वृंदावन में क्या, बोले गोकुल है, बोले गिरिराज गोवर्धन है, राधा कुंड श्याम कुंड श्री वृंदावन धाम में। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कहते रमयति सदा गा पालयन जत्र गोपी। वृंदावन की इतने महिमा क्यों, कारण क्या है, बोले कारण है रमयति सदा गा पालयन जत्र गोपी, कृष्ण से वृंदावन धाम में गैया चराया है। इसलिए राधा रानी कहती हैं हंताय अद्रिय बला हरिदास वर्ज जत राम कृष्ण चरण स्पर्शम प्रमदम। कहते भगवान हर धाम में, भगवान द्वारका में, मथुरा में, वैकुंठ में, भगवान हर जगह में पादुका धारण करते हैं, हर धाम में भगवान पादुका धारण किया, लेकिन केवल एक वृंदावन धाम में भगवान कभी पादुका धारण नहीं किया। इसलिए कृष्ण जब गोचारण करने के लिए जा रहे थे, मैया जसोदा बोली लाला तू गैया चराने के लिए जा रहे हो, अभी कंकड़ वहाँ पर बड़े बड़े कांटा रहेगा, इसलिए तेरे लिए दो जूती बना देते हूँ। कृष्ण ने किया क्या, बोले माँ ये गैया हम गोपाल है, ये गैया को हम पालन करने वाले, हमारी जो आराध्य है ये कौन है, गैया ही हमारा आराध्य, हम तो उनका सेवक है, और हमारे जो आराध्य ये जूती नहीं पहने, हम उनका सेवक होकर कैसे जूती धारण करें। माँ अगर मेरे लिए जूती बनाओगे ना, ये जितने गैया हैं सभी के लिए चार चार जूती बना दे, और सभी के लिए अगर मेरे लिए छत्री दोगे तो ये गैया के लिए ना सबके लिए एक एक छत्री बना दे, फिर उसको बाद में मेरे लिए तुमने जूती बनाना और मेरे लिए भी एक एक छत्री बना देना है। इसलिए यहाँ पर राधा रानी कहती हैं स्पर्श प्रमोद। इसलिए कृष्ण जब नंगे प्यार में से वृंदावन धाम में चलते थे, कृष्ण जब धीरे 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 बड़े हुए, कृष्ण के चरण में उन्हें से चिन्ह है, हैं उन्हें से चिन्ह है, जब कृष्ण चरण रखते थे ये उन्हें से चिन्हों को ये वृंदावन धाम अपना बख्य स्थल को पर रख करके परम हैं परम आनंदित होते थे। मैं कितने सौभाग्यवान हूँ, भगवान नंगे प्यार में चल रहे हैं और उनका चरण मेरे बख्य स्थल के ऊपर में मेरे उनकी चरण चिन्ह पड़ रहा है। कभी जो घास है, बोले घास नहीं, बोले ये क्या है, बोले वृंदावन धाम प्रेम में उनके रोंगट खड़े हो रहा था, बोले जो झरना किया, बोले झरना नहीं, इनके आंखों से प्रेम से
असुर विसर्जन हो रहे, इसलिए यहाँ पर कह रहे से वृंदावन धाम की इतने महिमा क्यों, बोले पालयन जत्र गोपी, जहाँ पर गैया चराते थे, जहाँ पर गोप गोपी को कृष्णा वृंदावन धाम में पालन करते थे। इसलिए कृष्णा जब वृंदावन धाम में आए, पहले गोकुल में रहते थे, गोकुल से कहाँ पर आए, गोकुल छोड़ करके कृष्णा आए वृंदावन धाम। जब वृंदावन धाम में आए वहाँ पर कहते हैं बोले वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलना नीच विख्यासीद उत्तमा प्रीति राम माधव और नृप। जब कृष्ण वृंदावन धाम में आए, जब उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को दर्शन किया, श्री जमुना पुलिन को दर्शन किया, उसको देख करके कहते हैं विख्यासीद उत्तम प्रीति, कहते इनके हृदय में वृंदावन धाम को दर्शन करके इनके हृदय में दिव्य आनंद की प्राप्ति हुई, दिव्य आनंद की, केवल वृंदावन धाम को दर्शन करते हुए बले नित्यम सन्निहित हरि। कहते वृंदावन में कृष्ण खुद कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि, इसलिए कहते मैं कभी ये वृंदावन धाम छोड़ करके एक कदम भी कभी वृंदावन से बाहर में नहीं जाता हूँ, हर समय में वृंदावन में नित्य में विराजित करता हूँ, नित्य में विराजमान रहता हूँ। इसलिए बोले राधा रानी का तीन स्वरूप बताया, कितना स्वरूप है, क्या क्या राधा रानी की तीन स्वरूप क्या क्या है, कहते एक विरहिणी, एक संजोगिनी और एक श्री वृषभानुनंदिनी, राधा रानी का तीन स्वरूप है। कहते देखो ये चीज को समझो अच्छे तरह से, कि उसी तरह कृष्ण का भी तीन स्वरूप है, पूर्ण पूर्णतर और पूर्णतम, कृष्ण का भी तीन स्वरूप है और राधा रानी का भी तीन स्वरूप, ये चीज को अच्छे तरह समझो। राधा रानी का क्या तीन स्वरूप, एक है उनकी वियोगिनी राधा, मतलब वियोगिनी मतलब क्या, जो कृष्ण विरह में दिन रात जो रोती रहती है। कहते ये वियोगिनी राधा कहाँ पर वियोगिनी राधा है, कहते जब श्री उद्धव जी, श्री कृष्ण उद्धव जी को भेजे और जब श्री उनको साथ में जब उद्धव कियारी में नंदगाम उद्धव कियारी में जब उद्धव जी आकर के देखा राधा रानी कैसे कृष्ण विरह में कैसे उनके लिए सुंदर कमल फूल की सज्जा सजाए हैं, और राधा रानी के शरीर में अगुर कर्पूर चंदन को लेपन कर रहे हैं और कमल फूल को ऊपर राधा रानी को लेटा करके रखी, लेकिन ऐसे राधा रानी के मन में विरह मिनट में ये सब चुर चुर हो रहा था। और जहाँ पर मधुब कितव बंधु माँ प्रसाग्नि सपत्ना, जहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं एक भंवरा बन करके आए राधा जी के चरणों के ऊपर बैठने के लिए और राधा रानी को थुत्कार कर रहे थे, बोले खबरदार मेरे प्यार के ऊपर में मत बैठा कर, लगता है तो शराब पी करके आए। कहते वो वियोगिनी राधा रानी, बोले संजोगिनी राधा रानी को जब श्री श्याम सुंदर कुरुक्षेत्र में गए, जब वहाँ पर राधा रानी से उन्होंने मिलन हुई हैं, वो संजोगिनी श्री राधा रानी, जहाँ पर राधा रानी कहती हैं मेरे हृदय रूपी रथ में बैठो, आपको मैं वृंदावन ले जाऊँगी। कहते ये वृषभानुराज नंदिनी कौन है, कहते जो राधा रानी कभी भी ये वृंदावन नहीं छोड़ती, कभी ये वृंदावन से छोड़ करके कहीं भी उन्होंने जाती नहीं, हर समय से वृंदावन में रहती। उसी तरह कृष्ण का भी तीन स्वरूप है, कृष्ण एक द्वारकाधीश कृष्ण है और एक मथुरा से कृष्ण है और एक श्री वृंदावन कृष्ण है। मथुरा से कृष्ण जो द्वारकाधीश कृष्ण वो तो चले गए, लेकिन जो मूल कृष्ण है जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जो राधा कांत कृष्ण, ये कभी भी वृंदावन छोड़कर कभी ये नहीं जाते, हर समय श्री वृंदावन धाम में कृष्ण नित्य ही वृंदावन धाम में रहते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भले पुण्य व्रत ब्रज भुव हृदय निर्लंगम गुढ़ पुराण पुरुषम वन चित्र माल्यम गा पालयन सह बलम कोणयस्त वेणु ब्रिक्रीडयांचती गिरी त्रयमार्ची तांघ्री। इसलिए जब कृष्ण वृंदावन में रहते हैं उस समय कृष्ण कितने सुंदर पुष्पों को द्वारा हैं और सुंदर सुंदर गौरी की और सुंदर सुंदर वृंदावन के फल फूलों से कैसे
कृष्ण को ब्रज गोपियां कितने सुंदर कृष्ण को श्रृंगार करते हैं, हैं? इसलिए वृंदावन में विशेष करके क्या किया, बोले वर्धयन प्रेम रासे। ये जो रास है, रास मतलब क्या है, बोले रसा नाम समोहिति रास। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रास का उन्होंने 10 अर्थ बताया। कितना अर्थ बताया, 10 अर्थ बताया कि रास का मतलब क्या है। जहाँ पर केवल रसी रस है, नृत्य गीत वाद्य है, जहाँ पर ये सब वस्तु विद्यमान, वो रास है। लेकिन कृष्ण रास कहाँ पर किया, क्या कृष्ण कभी स्वर्ग में रास किया है, मोह जन तपलोक में कभी रास किया है, क्या वैकुंठ में रास है, अयोध्या में रास है, द्वारका में रास, रास कहीं नहीं, कहाँ पर है, बोले केवल श्री वृंदावन धाम में ही भगवान ब्रज गोपियों के साथ में रास किया। इसलिए रास भी कहते चार तरह का रास है। कितना तरह का है, क्या क्या चार तरह का रास, बासंती रास, शारदीय रास, और बोलो कहते एक नित्य रास है और एक महारास है, हाँ। इसलिए रास चार तरह का रास है। इसलिए वृंदावन में जो रास करते हैं, कहते ये रास है, ये शारदीय रास है, जिस रासों में हर तरह का गोपियाँ जहाँ पर थी, श्रुतिचरी हैं, दंडकारण्य के जो ऋषि लोग थे, स्वर्ग की जो देवियाँ थी, लक्ष्मियाँ थी, जनकपुरी के जो सबके सब राम रूप को देख करके जो मुग्ध हो गई थी वो भी थी, हैं। जितने सीता भगवान 11,000 साल तक उन्होंने जो यज्ञ किया, जो सोने की सीता बनाया करते, तो वो भी थी। कहते ये शारदीय रास में ये सब गोपियाँ थी, लेकिन जो बासंती रास हुई है, लेकिन वो बासंती रास में केवल कृष्ण पक्ष गोपियाँ जहाँ पर विद्यमान थी, और कोई वहाँ पर थी नहीं। और एक रास है नित्य रास, भगवान वृंदावन में रोज भगवान कृष्ण वृंदावन में रास करते हैं, और एक है महारास है, जिसमें शंकर जी, जहाँ पर शंकर जी गोपीश्वर महादेव रूप में प्रभु जी की रास को दर्शन करने के लिए आए थे। लेकिन ये सब जितने सारे रास कहाँ पर हुई है, कहते श्री वृंदावन धाम में ही ये रास श्री वृंदावन धाम में हुई। बोले एक समय जितने सारे तीर्थ थे, वो सारे तीर्थ एक समय एकत्रित हो एक मीटिंग की गई। बोले मीटिंग में जैसे देश का राजा जैसे मोदी है, हैं, उसी तरह बोले सारे तीर्थ में कौन राजा बनेगा, कौन सारे तीर्थ में राजा कौन बनेगा, तो उन्होंने स्थापन की गई सारे तीर्थ में राजा श्री तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज ये प्रयाग क्योंकि जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती तीनों जहाँ पर मिलित हुए हैं, बोले यही तीर्थ में राजा। अभी जो राजा बनेगा उनको कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, उनको टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए बोले सब तीर्थ क्या करेंगे, इनको टैक्स देंगे। अभी तीर्थराज प्रयाग बने राजा, और जितने जितने तीर्थ हैं सबके सब आकर के उनको टैक्स देते थे, दर्शन करने के लिए आते थे। लेकिन ये वृंदावन धाम से कोई भी तीर्थ नहीं जाता था। यहाँ का नदी की बात छोड़ दो, यहाँ का सरोवर की बात छोड़ दो, यहाँ के तालाब की बात छोड़ दो, यहाँ के एक कुएं तक भी ये कोई भी नहीं जाते थे तीर्थराज प्रयाग को दर्शन करने के लिए। एक दिन ये प्रयाग दुखी हो गया, दुखी होकर के भगवान कृष्ण के पास में, बोले प्रभु मेरे को किस लिए बनाया, बना दिया राजा, यहाँ के तो एक नदी की बात छोड़ दो, यहाँ के तालाब पुष्कर, यहाँ कुआ तक भी मेरे पास में नहीं आता, किस चीज के मैं राजा। देखो कृष्ण क्या कहते हैं, बोले देखो राजा तो मैंने ही बनाया ना, बोले हाँ राजा तो मैंने बनाया, लेकिन अपना घर का राजा थोड़ी तेरे को बना दिया, अपना घर का राजा थोड़ी तेरे को बना दिया, ये जो वृंदावन धाम ये मेरे घर है। इसलिए बोले कहते किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ, कहते राधा रानी की किरत सुता के पग पग में, जब एक चरण पग उठाकर दूसरे पग रखती है, तीसरे पग रखती है, प्रयाग जहाँ, बोले के सब के कली कुंज कोटि कोटि काशी है, हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण का जहाँ कुंज बनती है, एक काशी नहीं, जहाँ कोटि कोटि जहाँ पर काशी है, गोपिनी की द्वार पे है बसत है हरिद्वार, और बद्री केदारनाथ बसत
दास दासी है और स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं है हम श्री वृंदावन वासी है। इसलिए वृंदावन जो साधारण वस्तु नहीं, जब श्री जगन्नाथपुरी में वहाँ पर हीरा पंचमी होता है, हीरा पंचमी मतलब जब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा आता है मासी, जहाँ पर वृंदावन धाम में जगन्नाथ जब वहाँ से आते हैं लक्ष्मी को बोल करके आते हैं, लक्ष्मी कहती है कितना दिन के लिए जा रहे हो, बोले आज जा रहा हूँ और एक दो दिन अंदर में वापस चला आऊँगा। लेकिन जब जगन्नाथ पाँच दिन हो जाता है ना, जगन्नाथ नहीं आते, हे लक्ष्मी को इतना क्रोध आता है, बोले दो दिन बोल कर पाँच दिन ही हो गया, अभी तक कोई लापता नहीं। लक्ष्मी एकदम सद धज करके आती हैं और वहाँ पर दो पार्टी बनता है, वहाँ पर एक लक्ष्मी पार्टी और एक इसे वृंदावन की पार्टी हैं, दो पार्टी वहाँ बनता है। और वहाँ पर लक्ष्मी जा करके बैठ जाती है सिंहासन में और कहती है गोपियों को पकड़ पकड़ कर ले आओ, मेरे पति को जोर जबरदस्ती रख लिया, दो दिन ही बोलकर पाँच दिन ही हो गया, अभी तक जगन्नाथ वापस नहीं आए, ले आओ उनको पकड़ करके। और जो लक्ष्मी की जो गण होते हैं ना, वो तो जा करके जो गोपियों की गण को गले पर गामछा कपड़ा बांध करके खींच खींच कर ले आते हैं और वो सबके सब आ करके लक्ष्मी के चरण में माफ़ी मांगते हैं, हमें अपराध माफ़ कर दो, हम जल्दी जल्दी जगन्नाथ जी को छोड़ देंगे। जब ये लीला होती है ना, और श्री चैतन्य महाप्रभु अपना भक्तों को साथ में दर्शन के लिए जाते हैं, इतने में महाप्रभु के साथ में स्वरूप दामोदर, ये स्वरूप दामोदर कौन है, कहती ये ललिता सखी है और राय रामानंद ये विशाखा सखी, कहते उनको साथ में श्रीवास पंडित भी होता है, श्रीवास पंडित कौन है, ये नारद है, कि नारद कहाँ के परिकर, बोले वैकुंठ के परिकर है। ये नारद देख देख कर इतने खुश होते हैं क्योंकि वैकुंठ परिकर ना लक्ष्मी वैकुंठ के हैं और अथा ईश्वर जो प्रकाश किए और जितने ब्रज गोपियाँ उनके चरण में माफ़ी मांग रहे हैं। तब ये श्री श्रीवास पंडित स्वरूप दामोदर कह रहे, बोले देख रहे हो तुम्हारी गोपियों की ऐसे तैसे हो रही हैं, हमारे लक्ष्मी के चरण में नाक रगड़ रहे, देख रहे हो क्या हो रहा है, लक्ष्मी के देखो क्या ठाड़ बाड़, देखो लक्ष्मी एकदम सधज करके जाती हैं, लक्ष्मी सारे ऐश्वर्य को साथ में। कहते वृंदावन में क्या कुछ नहीं, वही नदी बहती है, वही पेड़ पौधा फूल पत्ता और क्या, वृंदावन में कुछ नहीं। और देखो हमारे वैकुंठ में कितने ऐश्वर्य, लक्ष्मी की हीरे जवाहरात असरपियाँ, क्या ऐश्वर्य लक्ष्मी की। तब श्री स्वरूप दामोदर कह रहे, बोले ज़्यादा बोलो मत, चुप रहो, ज़्यादा बोलने का जरूरत नहीं, बोले आपको पता नहीं वृंदावन धाम की ऐश्वर्य है। कहते वहाँ के एक पत्ते में एक लता में हाँ वहाँ के धूल में इतने शक्ति, ऐसे तुम्हारी कितने वैकुंठ प्रकट कर सकती हैं, कितने वैकुंठ प्रकट कर सकती हैं। लेकिन वृंदावन में जो ऐश्वर्य ये माधुर्य को द्वारा ढका हुआ रहता है, वृंदावन में ऐश्वर्य प्रकाश नहीं करते हैं। इसलिए ब्रह्मा क्या कहते हैं, बोले चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्यावृत सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदं मादिपुरुषम् तमहंग भजामि। वृंदावन को जो धाम वो चिंतामणि, जो चिंता करो वही दे देगा, वृक्ष सब कल्प वृक्ष जो मांगोगे वही मिलेगा वृंदावन में। कहते वहाँ की जो पानी नहीं अमृत कथा गान हैं, कोई चलता है तो लगता है बड़े सुंदर जैसे नृत्य कर रहे हैं और करुण सूर्य का तेज वहाँ पर, लेकिन उसमें कोई गर्मी नहीं, वृंदावन भूख प्यास कुछ नहीं, अद्भुत श्री वृंदावन धाम। बोले श्री वृंदावन धाम की जय। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं वृंदावन धाम को, जहाँ पर भगवान स्वरित मधुर वेणु वर्धयन प्रेम रासे, भगवान बंसुरी कहाँ बजाया, एक वृंदावन धाम में ही कृष्ण बंसुरी बजाते हैं और कृष्ण कहीं भी बंसुरी नहीं बजाते हैं। इसलिए यहाँ पर जयती जयती इन्होंने दो दो बार उन्होंने से वृंदावन धाम को जयकार दिया है। बोले जयती तरणी पुत्री धर्मराज स्वसाजा कलयति मथुरायाम सख्यमतीति गंगाम मुरहर दयिता तत्पाद पद्मम प्रसूतम बहति च मकरंदम नीरपूर छलेन। उसको बाद में जयकार देते हैं श्री जमुना महारानी की। श्री जमुना महारानी की जय।
बोले श्री जमुना देवी की। बोले ये जमुना देवी है कौन? जमुना देवी कोई नदी नहीं है, कद राधा कृष्ण का प्रेम जब द्रवीभूत होकर के बहती है ना, ये श्री जमुना पटराणी। बोले ये गिरिराज गोवर्धन कौन है? बोले राधा कृष्ण का प्रेम जब इकट्ठा जमा हो जाता है कद ये श्री गिरिराज गोवर्धन। ये गोवर्धन कोई पहाड़ नहीं, भगवान का प्रेम का ही ये जमा हुआ रूप श्री गिरिराज गोवर्धन। और जमुना कौन है? ये राधा कृष्ण का प्रेम ही। बोले ब्रह्म द्रव गात्रम, ब्रह्म का प्रेम ही जब द्रवीभूत रूप में ये बहती है ये श्री जमुना कटराणी। ये कोई साधारण नदी नहीं है। कभी ये जमुना प्रवाहित तो हुई कैसे? बोले एक समय कृष्ण ने अपना राग रागिणी को सुने, जब उन्हें राग को सुने इतने में कृष्ण का शरीर से पसीना निकला। जब पसीना निकला मैया जसोदा कृष्ण को मोटी मोटी काजल लगा दी थी, ये पसीना जब निकला, जब कृष्ण का काजल भी मिल गया तो उसका रंग क्या हो गया? काला हो गया। वही जब बहते हुए उनको छाती को भिगाते हुए जब उनका चरण को धो करके कदी जो प्रवाहित हुई कौन बन गई? बोले ये जमुना महारानी। इसलिए ये जमुना कोई साधारण वस्तु नहीं, ये जमुना कौन है? श्री विशाखा। ये विशाखा कौन है? बोले ये अनुराधा, राधा रानी की ये अनुराधा। जब एक तरफ में राधा एक तरफ में कृष्ण, दोनों में हैं, कभी कभी दोनों के अंदर में वहाँ पर पक्ष विपक्ष होकर खेलते थे। जब राधा रानी नहीं आती थी कहते एक तरफ में श्री यमुना मतलब विशाखा रहती थी और एक तरफ में कृष्ण, मतलब विशाखा का जो काम है कहते श्रीमती राधा रानी ये विशाखा का काम करती थी। इसलिए जो विशाखा है ये यमुना नदी रूप में जहाँ पर भगवान कृष्ण जिसमें जल विहार करते हैं, हैं? जिसमें जल विहार करते हैं। तब यहाँ पर कहते हैं ये गंगा की जितने महिमा, गंगा की कितना महिमा बताओ, कितने महिमा गंगा की जो साक्षात भगवान के चरण से निकली। लेकिन श्री बराह पुराण में देखो कि श्लोक है, बोले गंगा सतगुणा प्रोक्ता माथुरा मम मंडले जमुना विश्रुता देवी नात्र कार्य विचारणम। कहते गंगा सतगुणा प्रोक्ता, गंगा के जितने महिमा, बोले जमुना की 100 गुण ज्यादा महिमा। कितना गुण? 100 गुण। गंगा से जमुना कितना गुण? 100 गुण। कोई सोच सकते हैं? 100 गुण ज्यादा यमुना की महिमा गंगा की जितने महिमा। एक समय दोनों, एक समय क्या हुआ, अकबर का दरबार में जो गंगा किनारे में रहते थे उन लोगों ने गंगा की खूब महिमा बोले। गंगा की जैसे महिमा जगत में किसी की है ही नहीं। अभी जो यमुना किनारा में रहते थे वो यमुना की भी महिमा कम नहीं, उन लोगों ने जमुना की भी बहुत महिमा बोले। एक बार अकबर के दरबार में ये दोनों गंगा और जमुना में जो रहने वाले लोगों में बड़े शास्त्रार्थ हुई। गंगा के किनारे में रहने वाले गंगा की महिमा बताए और जमुना किनारे में रहने वाले जमुना की बड़ी महिमा बताए। अभी वास्तव रूप में दोनों की महिमा श्रेष्ठ है। राजा को पास में रखा गया, बोला आप बताओ गंगा की महिमा ज़्यादा ना जमुना की महिमा ज़्यादा। जब बोले इतने में राजा को तो इसको इतना पता ही नहीं, बोले भैया ये बात को कौन बोलेगा? भले कोई एक श्रेष्ठ कोई संत होनी चाहिए जो ऐसे कुछ विचार दे जो सब लोग उसको स्वीकार कर ले। भले इसका विचार कौन देगा? उसी समय वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी रहते थे, धुरंधर पंडित हैं, अपूर्व पंडित और विद्वान श्री जीव गोस्वामी। भले अगर श्री जीव गोस्वामी को किस तरह से अकबर के दरबार में लाया जाए आगरा में ये बता सकते हैं, लेकिन ये कभी वृंदावन छोड़कर कहीं रहते नहीं थे। भले कहीं जाए रात को वृंदावन में रहते थे, इनको पास में खबर पहुंचा, इन्होंने बोले भैया मैं तो वृंदावन छोड़कर कहीं वृंदावन में मैं रात को रहता नहीं। राजा बोले मैं एक काम करूँगा, मैंने घोड़ा गाड़ी लगा दूंगा हैं, एक दिन में आपको ले जाएगा गाड़ी और एक दिन में आपको वापस छोड़ देगा, अलग अलग गाड़ी का व्यवस्था कर सकता हूँ। तब जीव गोस्वामी बोले तभी मैं आ सकता हूँ। तब अकबर का दरबार में श्री जीव गोस्वामी को बुलाया गया। तब वहाँ पर सब गंगा जमुना के सब बैठे हुए लोगों अपना अपना महिमा बताए। देखो उन्होंने क्या मीमांसा दिया, क्या अद्भुत उन्होंने विचार दिया। बोले देखो
कहती ये गंगा कौन है, कहती ये भगवान की चरण से निकली गंगा भगवान की चरणामृत। बोले कौन सा भगवान के, बोले वामन देव का। जिस समय वामन देव एक चरण को उन्होंने ब्रह्मलोक तक पहुंचा, वहीं पर ब्रह्मा जी उनके चरणों को अभिषेक किया, अभिषेक करके वो पानी को कमंडल में रखा, वही श्रीपति देव अपनी गंगा। बोले ये वामन देव कौन है, देखो इस चीज को अच्छे तरह समझो, वामन देव कौन है। बोले कृष्ण से अभिन्न श्री बलदेव प्रभु, ये बलदेव प्रभु से संकर्षण निकले, ये संकर्षण से पर चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, फिर वो जो संकर्षण से तीन विष्णु निकले, एक कारणक दशाई, एक गर्भदशाई और खिराब दिशाई। कहती जो कारणक दशाई जो विष्णु हैं, इनसे ही ये जितने अवतार आते हैं, मत्स्य कुरुमा बराह नृसिंह बामन परशुराम, ये कारणक दशाई विष्णु से ही आए। तब ये इनका अवतार श्री वामन देव कृष्ण के अंश के अंश के अंश के अंश ये कौन हुए, श्री वामन देव। और इनकी चरण से ही जो निकला ब्रह्मा जी, उनको अभिषेक करके जो रखा कमंडल में, भगीरथ ने उसी गंगा को ही जगत में आए लाए हैं, गंगा ये हो गई। भले देखो यमुना कौन है, यमुना भगवान की पटरानी, घर की पटरानी, और ये चरण से निकली मतलब ये दासी, भगवान की चरण से निकली ये दासी हो गई, कौन हो गई, गंगा हो गई दासी। और यमुना कौन हो गई, भगवान घर की पटरानी। बोले बताओ घर की पटरानी श्रेष्ठ है ना घर की दासी श्रेष्ठ है। बोलो सबको दिमाग में चीज बैठी गया, बोले बात तो सही है, हाँ ये तो बात सही है, गंगा हो गई दासी घर की और चरण से निकली, और वो हो गई घर की पटरानी, कौन हो गई, यमुना हो गई पटरानी। इसलिए वहाँ पर उन्होंने ये चीज को उन्होंने मीमांसा दिया है जीव गोस्वामी ने ये चीज। और ये बराह पुराण का ये श्लोक है, कहते गंगा सतगुणा प्रोक्ता मथुरे मम मंडले यमुना विश्रुता देवी नात्र कार्यम विचरना। ये भगवान स्वयं बराह देव अपना पृथ्वी को, ये बराह देव स्वयं पृथ्वी को कह रहे हैं, कहते गंगा से जो यमुना 100 गुण श्रेष्ठ श्री यमुना नदी के लिए, इसलिए गंगा में स्नान करने का जो फल है यमुना को स्मरण करने से वही फल है, इतने महिमा। इसलिए यमुना काली, काली क्यों, कृष्ण चिंता में ये काली बनी हुई, बहती चमकरंदम नीर पूरा छलेना यमुना नदी में। कहते भगवान की जो मकरंद को लेकर के ये यमुना प्रवाहित तो हो रही हैं, हैं? ये यमुना नदी प्रवाहित तो हो रही हैं। इसलिए यहाँ पर कहते इसी विषय पर तर्क नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर श्री जीव गोस्वामी ये सनातन गोस्वामी कहते 100 गुना कैसे हो सकता है, इसलिए कहते इसी विषय पर क्या नहीं करनी चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहते ये यमुना की कृपा से ही भगवत प्रेम के जीव को भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, श्री यमुना की कृपा से। कृष्ण जिसमें जल विहार करते हैं, ब्रज गोपियों को साथ में कृष्ण जिसमें जल विहार करते हैं। बोले श्री यमुना महारानी की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। एक भजन गा बढ़िया सा भजन गा, वृंदावन धाम से राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम से राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम से राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, मन चले वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे।
गए पिया पितर को हरि गए मिटर ले गए खातर देगा चाची नितली लाभ प्रज्ञान के।